ओके तो गाइस आप लोग की मतलब कई सारी प्रॉब्लम्स है और बंदे कमेंट करते हैं भाई, मतलब हम लोग सीएस में बिल्कुल भी पुश नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हैकर्स की वजह से, या फिर हमारे बंदे अच्छे नहीं होते, हम लोग रैंडमली खेलते हैं एंड कई बार हमारा पिंग प्रॉब्लम रहता है। तो गाइस कई आप लोग मतलब हर बार सोचते हो हम लोग नेक्स्ट जेन हीरोइक जाएंगे, फिर नेक्स्ट जेन हम लोग ग्रैंड मास्टर अपनी पुश करेंगे, बट कई सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोग अपनी रैंक को पुश नहीं कर पा रहे हो। जैसे गाइस कई बार होता है आप लोग रैंडम बंदों के साथ खेल रहे हो तो वहाँ पे आपका 0-3 लॉस्ट राउंड हो जाता है, मतलब आप लोग 3 राउंड उधर हार जाते हो, रेगुलर 0-3 तक मैं स्कोर पहुँच जाता है, फिर गाइस उधर से कमबैक करना मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है एंड आप लोग अपनी रैंक को ईजिली आप माइनस करवा लेते हो। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए जो बंदे रैंक को अपनी पुश करते हैं। गाइस मैं लेके आ चुका बिल्कुल आपके लिए न्यू यहाँ पे स्क्रैश स्क्वाड रैंक की पुश टिप्स एंड ट्रिक, आप लोग कैसे इजिली यहाँ पे बंदों को रैंडम बंदों के साथ भी इजिली अपनी रैंक को पुश कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड गाइस इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर गाइस नए हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड अपने किसी भी एक फ्रेंड को शेयर कर देना। तो चलिए गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आता है आप लोग अपना बिहेवियर, गाइस आप लोग रैंडम बंदों से कैसा अपना बिहेवियर रखते हैं। गाइस कई बार होता है रैंडम बंदे बहुत से होते हैं जो अपना माइक को ऑफ करके खेलते हैं, ओके, एंड कई सारे रैंडम बंदे होते हैं जो अपने माइक को ऑन करके खेलते हैं, बट गाइस वो बंदे थोड़ा सा अपना बिहेवियर अच्छे नहीं रखते एंड आप लोग भी यही सीन करते हो। गाइस वो बंदे अगर आपको गाली दे रहा है, मतलब अगर वो बंदा रिवाइव मार रहा है तो गाइस आप उसको रिवाइव नहीं देते, तो उससे यार मतलब आप रिवाइव तो कर देते हो बट आप लोग एक चीज़ बोल देते हो यार नूब है खेलना नहीं आता, भाई क्या खेल रहा है यार साथ में रहे भाई, उससे यार बंदे को मतलब थोड़ा सा और गुस्सा आएगा एंड वो बंदा आपको गाइस सीधी बात है अगर आप नॉक हो जाओगे तो मतलब वो बंदा भी आपको रिवाइव करने के लिए एक मिनट सोचेगा भाई रिवाइव दूँ या ना दूँ। तो भाई जब भी मतलब आप नॉर्मली रैंडम बंदों के साथ खेलो तो उनके अच्छे साथ आपको बिहेवियर रखना है, आपको बहुत अच्छे से उनसे अगर बात करनी है अगर उनका माइक ऑन है तो, वरना गाइस माइक ऑफ है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आगे मैं और आपको बताऊँगा, अगर माइक ऑफ भी है तो भी आपको मतलब क्या करना है, बट अगर उन बंदों का गाइस माइक ऑन है तो आपको बस बिहेवियर उनके साथ अच्छा रखना। सेकंड नंबर टिप होने वाली यहाँ पे आप लोगों को मतलब कौन सा कैरेक्टर, तो यार आप लोग मैं बता ही चुका हूँ कौन सा कैरेक्टर आपको यूज़ करना है, बट एक और चीज़ आपकी मैन रहती है, जैसे कि आप लोगों को अगर बंदा कहीं से फायर दे रहा है तो मतलब आप लोगों को ये पता ही नहीं था बंदा फायर किधर से दे रहा है, अब तो आप लोग इजिली नॉक हो जाते हैं। बिल्कुल इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग अपनी नॉर्मली सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद गाइस आप लोगों को अपना ये देखना गन शॉट जो आपका अलर्ट होगा गाइस इसको आपको ऑलवेज ऑन रखना है, जिससे आपका इसका इफेक्ट बता दो आपको इफेक्ट क्या होता है इसका, अगर बंदा आपको मतलब कहीं से फायर कर रहा है तो आपकी स्क्रीन पर रेड कलर का आइकन आएगा, बिल्कुल आपको रेड कलर का यहाँ पर आइकन दिख जाएगा ऊपरी साइड में, उधर आपको पता लग जाएगा आपका बंदा मतलब कहाँ से मार रहा है एंड आप लोग उसको इजीली उधर नॉक ले सकते हो एंड वहाँ से रन भी कर सकते हो। सो फिर लास्ट नंबर टिप होने वाली है गाइस, यहाँ पे आप लोग मतलब एक चीज काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, हेड शॉट एंड बॉडी शॉट, आप लोगों का मतलब क्या मैटर करता है आप लोगों को हेड शॉट मारना है या फिर बॉडी शॉट मारना है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मैटर करता है बिकॉज गाइस इधर आप लोग क्या सीन करते हैं, कोई बंदा अगर मैक्स 7 या फिर M10 लेके आपके ऊपर मतलब रश कर रहा है तो आप लोग उस सिचुएशन में क्या करोगे, आप लोग शॉर्ट रेंज में डेजर्ट ईगल का यूज़ करोगे, वहाँ पे मतलब आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ जाती है बिकॉज बंदा आपको स्पैम करके मार देता है एंड आप लोग लास्ट में क्या बोलते हो मतलब सारा बॉडी भर रहा है या फिर इसको हेड शॉट मारना नहीं आता, तो वैसे आप लोगों को एक बात बताओ यहाँ पे नो भी वो बंदा या फिर आप हो बिकॉज वो तो मैच को जिता रहा है ना एंड आप लोग अपने मैच को हरवा रहे हो बिकॉज आप यहाँ पे किल नहीं कर पा रहे, वो बंदा गाइस आपको बॉडी शॉट से चाहिए मगर वो अपनी रैंक को पुश कर रहा है वो भी अच्छे तरीके से। तो मतलब गाइस आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है रैंडम बंदे के साथ, आप लोगों को मतलब बॉडी शॉट का ज़्यादातर यूज़ करना है बिकॉज गाइस यहाँ पे रैंडम बंदे इतना आपका कवर नहीं दे पाते, तो आप लोग मतलब अपना थोड़ा स्पैम करके खेलोगे तो आप लोग इसलिए यहाँ पे दो बंदों को आसानी से ले सकते हो वो भी अकेले खुद के दम पे, ठीक है गाइस, क्योंकि रैंडम बंदे अब गाइस अपन लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कवर फायर गाइस, कवर फायर पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है रैंडम बंदों के साथ बिकॉज गाइस यहाँ पे अगर रैंडम बंदे ना ज़्यादातर क्या करते हैं वो लोग खुद कैंप करते हैं, आप लोग यहाँ पे कैंप करते हो अपने रैंक पुश की वजह से ताकि आप लोग मतलब रैंक माइनस ना हो तो आप लोग ज़्यादा क्या करते हो कैंप करते हैं, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता है यहाँ पे सामने वाले बंदों को रश करने का यहाँ पे मोटिव मिल जाता है, सामने वाले बंदे आपको रश करके इजीली यहाँ पे मार देते हैं एंड आप लोग यहीं पे गाइस सबसे बड़ी गलती करते हो, बट गाइस इसकी जगह आप लोग एक चीज़ करोगे यहाँ पे कवर फायर, अगर आप लोग यहाँ पे अपने टीममेट्स को कवर फायर दोगे पीछे से तो गाइस वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड अपने टीममेट्स को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कवर मिलेगा एंड आपके टीममेट्स से इजीली किल कर सकते हैं किसी, तो बस गाइस यार कुछ ये स्टेप थे जो आप लोग मैंने डिस्कस करे थे, बस गाइस आज के वीडियो यहीं तक करते हैं, होप करते हैं कुछ वीडियो आपको पसंद आया एंड गाइस जो मैंने टिप्स बताए आप लोग उसको ज़रूर से यूज़ करना है एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अपना खुद के गेम प्ले में इफेक्ट दिखेगा एंड अपनी रैंक पुश में आप लोगों को बहुत ही इजी मेथड आपको बताया, तो यूज़ गाइस ज़रूर से करना एंड गाइस यूज़ करके मेरे को बताना आप लोग यहाँ पे
रैंक गाइस कौन सी लग रही है आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आप लोगों की यहाँ पे अभी फिलहाल रैंक कौन सी लग रही है ओके। एंड गाइस मेरे स्टेप फॉलो करने में आप लोगों की मतलब कौन सी रैंक तक आप लोग पहुंच जाते हो ओके। तो बस गाइस आज के वीडियो यहीं तक का होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बंद गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बल्कि बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कर देना। कैसे मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।